जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियोस में देखते हैं कि आपको अगर जैसे रोड फाइट में अगर आपसे लड़ाई हो जाए किसी से, तो कम से कम इतने मूव्स तो आने चाहिए आपको कि अपनी जान बचा सको या अपने आप को डिफेंस कर सको। ठीक है, तो चलो कुछ देखते हैं मूव्स। हालांकि मुझे तो बॉक्सिंग पसंद है, इसलिए मैं बॉक्सिंग की बताऊँगा। ताइक्वांडो या कराटे, आपको जो ही पसंद है अब वो देख लिए। लेकिन इसलिए बॉक्सिंग इसलिए अच्छा मैंने प्रेफर किया है, बिकॉज़ अगर मान लो मैं जींस का पैंट पहना हुआ तब मैं अपनी किक्स नहीं चला सकता, लेकिन हाथ चला सकता। इसलिए हाथ पैरों में अगर आप बात करोगे तो पहले हाथों का डिफेंस सीखना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, चलो कुछ तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिससे हम अपनी जान बचा सकें।
इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो एक बात हमेशा रखना, इस दुनिया में कमजोर और दुर्बल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ वही सर्वाइव कर सकता है जिसके बाजुओं में ताकत होती है और मस्तिष्क में बुद्धि। बुद्धि तो आप पढ़ के हासिल कर सकते हो, लेकिन ताकत के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिम जाने की भी ऐसी नहीं है कि जिम जाना ही जरूरी है, घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को ताकतवर बना सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में ऐसा दिन आए कभी भी भूल से भी कि आप ऐसी परेशानी फंस जाएं कि जहाँ आपको लड़ना पड़े, तो इससे बेहतर यही होता है। ये जनरली ऐसा ही है कि जब आग लगती तभी कुआं खोदें। परेशानियों से पहले ही अगर आप परेशानियों से लड़ना सीख जाओगे तो परेशानियों को आसानी से हरा सकते हो। इसलिए मेरा यही मानना है कि हो सकता है जीवन में सबके में आता है कि लड़ाई हो जाए किसी से या किसी कुछ भी हो सकता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पहले से तैयार रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनो। कोई भी मार्शल आर्ट हो, कुंग फू हो, कलाई पाइटी हो, म्यूथाई हो, कुंग फू कराटे, ताए कमांडो, कुछ भी, लेकिन उसमें ऐसे बनो परफेक्ट कि जब आपका किसी से झगड़ा हुई हो जाए, हालांकि कुछ भी हो जाए अगर, तो आप अपनी जान तो बचा सकोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी रनिंग पे जाने का टाइम हो गया। आर्मी की जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।